हेलो एवरीवन, मैं कल्पिता ब्यूटी नाइन से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉफी की मदद से किस तरीके से हम फेस पैक बना सकते हैं। दोस्तों, कॉफी एक ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट है जिससे आपकी स्किन के डेड सेल्स रिमूव होते हैं, साथ में आपकी स्किन लाइटनिंग होती है और आपकी स्किन ब्राइट और मुलायम होती है। अब डिपेंड करता है कि अपनी स्किन को मुलायम बनाने के लिए आप कॉफी में कौन सी चीजें ऐड कर रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको दो तरीके के फेस पैक बताऊंगी, एक होगा ड्राई स्किन के लिए और एक होगा ऑयली स्किन के लिए। जो पैक मैं ड्राई स्किन के लिए बताने वाली हूँ वो नॉर्मल स्किन और सेंसिटिव स्किन वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो हम ऑयली स्किन के लिए देखेंगे वो कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, दो बहुत ही अमेजिंग और ईजी सी रेसिपीज हैं, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आप मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस ना करें। चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि फर्स्ट फेस पैक हम कौन सा बनाएंगे। दोस्तों, पहली होम रेमेडी बनाने के लिए यहाँ पर हमें लगेंगे दो इन्ग्रीडियंट्स, एक टेबल स्पून कॉफी और एक टी स्पून कोकोनट ऑयल। यहाँ पर मैंने वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लिया है। अगर आपके पास वर्जिन कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप नॉर्मल पैराशूट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस कॉफी को कोकोनट ऑयल में मिला लेंगे। दोस्तों, अब हम इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ी और कॉफ़ी मिला लेंगे, क्योंकि ये इतना थिन पेस्ट नहीं होना चाहिए, हमें इसे मीडियम थिक रखना है। दोस्तों, ये फेस पैक चेहरे पर लगाने के लिए तैयार है। दोस्तों, हमने पहली जो होम रेमेडी बनाई है वो है कोकोनट ऑयल और साथ में कॉफी। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक ही है, कॉफी से हम फेस पैक कैसे बनाएंगे। तो जो पहला फेस पैक मैंने आपको दिखाया है वो स्पेशली ड्राई स्किन के लिए है, और ये फेस पैक मैं आपको अपने चेहरे पर लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी भी ड्राई स्किन है। इसके बाद हम एक और फेस पैक की बात करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए, अब हम जो फेस पैक हमने बनाया है उसे हम लगा लेते हैं अपने चेहरे पर। दोस्तों, जब हम बात ड्राई स्किन या डल स्किन की करते हैं तो कोकोनट ऑयल एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है, जिससे आपकी डेड स्किन भी रिमूव होगी, क्योंकि हमने साथ में इसमें कॉफ़ी मिलाई है। और साथ ही में अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपकी स्किन नरिश भी होगी और आपको बहुत स्मूथ भी अपनी स्किन फील होगी। तो पहले आपको इस फेस पैक को अपने पूरे चेहरे पर अच्छे से लगा लेना है। दोस्तों, ये इस तरीके से आपको लगा लेना है और आपको कम से कम 3 से 5 मिनट तक अपने चेहरे की मसाज करनी है। आप चाहे तो इस फेस पैक को इसी तरीके से अपने चेहरे पर छोड़ भी सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि आपको इस फेस पैक के अच्छे रिजल्ट्स मिले तो अपनी स्किन पर मसाज ज़रूर करें, क्योंकि ये जो फेस पैक है एक स्क्रब के रूप में आपकी स्किन के लिए काम करता है, और जो भी आपके डेड सेल्स हैं कॉफ़ी के फाइन पार्टिकल्स उन्हें अच्छे से जो है चेहरे से रिमूव कर लेते हैं, और कॉफ़ी से आपकी स्किन जो है बहुत ही अच्छी होती है। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे। और जहाँ भी आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स है उस एरिया में भी अच्छे से इसकी मसाज करें।
दोस्तों ध्यान रहे, मसाज आपको हल्के हाथों से करनी है वरना आपकी स्किन जो है रेड हो जाएगी। अब मसाज हो जाने के बाद आपको 15 मिनट तक इस फेस पैक को अपने चेहरे पर इसी तरीके से छोड़ देना है और उसके बाद आप गुनगुने पानी से अपना चेहरा धो लें। रिजल्ट्स आपको बहुत ही अमेजिंग मिलेंगे। तो चलिए अब जो है मैं अपना फेस 15 मिनट के बाद वॉश करूंगी और आफ्टर रिजल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। आपको इंस्टेंट जो है रिजल्ट दिखेगा क्योंकि हमने इसमें ऑयल मिलाया है और मेरी स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। जब मैंने फेस पैक लगाया तो मेरी स्किन बहुत ही रूखी हुई थी। अब आफ्टर रिजल्ट में आप खुद ही देख लीजिए आपको कैसे लगती है मेरी स्किन। दोस्तों चेहरा मैंने अपना वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं मेरी स्किन पर जो है आपको इस वक्त एक अच्छा सा ग्लो दिखेगा। ये है सब कोकोनट ऑयल के कारण, क्योंकि कोकोनट ऑयल से आपकी स्किन जो है बहुत ही स्मूथ हो जाती है और ड्राई स्किन होने के कारण कॉफ़ी की हेल्प से जो भी आपके डेड सेल्स हैं स्किन में जिनकी ज़रूरत हमारी स्किन को नहीं है और जो भी हमारे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं वो अच्छे तरीके से निकल जाते हैं। तो इसीलिए इस फेस पैक का इस्तेमाल मैंने अपने चेहरे पर किया। और अब हम बात करेंगे दूसरे फेस पैक की जो स्पेशली ऑयली स्किन के लिए मैं बता रही हूँ। चलिए देखते हैं दूसरा फेस पैक हम किस तरीके से बनाएंगे। दोस्तों दूसरी होम रेमेडी के लिए यहाँ पर हमें लगेगा 1 टेबलस्पून कॉफ़ी और 1 टेबलस्पून लेमन जूस। तो यहाँ पर मैंने लेमन जूस निकाल लिया है ऑलरेडी। अब हम इस एक छोटा चम्मच कॉफ़ी में एक छोटा चम्मच लेमन जूस मिला लेंगे। अब दोनों इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छे से मिक्स कर लें। तो दोस्तों ये हमारा फेस पैक तैयार हो गया है। दोस्तों अभी जो मैंने फेस पैक आपको बताया है जिसमें हमने नींबू और कॉफ़ी का इस्तेमाल किया है, तो दोस्तों नींबू में जो है बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है और साथ ही में नींबू एक साइट्रिक इंग्रेडिएंट है जिससे आपके जो पिंपल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि ये ऑयली स्किन के लिए जो है मैं फेस पैक बता रही हूँ और साथ ही में इसे कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जिनकी ऑयली स्किन होती है उन्हें एक्ने का प्रॉब्लम होता ही है, तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो नींबू आपके ऑयल को कंट्रोल करेगा साथ ही में एक्ने भी कंट्रोल करेगा। और हमने उसमें मिलाया है कॉफ़ी, तो कॉफ़ी से हमारी स्किन लाइटनिंग होती है और उसके साथ आपके जो एक्ने के मार्क्स छूट जाते हैं वो कम होने में हेल्प होती है। तो दोस्तों सेकेंड वाला फेस पैक स्पेशली ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है और जो फर्स्ट फेस पैक मैंने आपको बताया है वो ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन और सेंसिटिव स्किन, तीनों स्किन टाइप के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस फेस पैक को मैं अपने चेहरे पर लगा तो नहीं सकती हूँ क्योंकि एक ही समय पर हम दो अलग अलग तरीके की होम रेसिपीज जो भी हम बनाते हैं उसे हम अपने चेहरे पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी एक ही होम रेमेडी का इस्तेमाल करें। और वैसे भी दोस्तों मेरी स्किन जो है एक्सट्रीमली ड्राई है तो मैं नींबू का ज्यादा इस्तेमाल अपने फेस पर नहीं कर सकती हूं वरना मेरा फेस और ज्यादा ड्राई हो जाएगा। तो दोस्तों आपकी स्किन लाइटनिंग होगी इस फेस पैक से और साथ ही में आपका एक्ने प्रॉब्लम कंट्रोल होगा। आपको ये फेस पैक लगा के मसाज नहीं करनी है, इससे आपके जो भी पिंपल्स हैं उन्हें उन पर इरिटेशन हो सकती है। अगर आपको पिंपल्स नहीं है लेकिन आपकी स्किन ऑयली है तो आप इस फेस पैक से मसाज कर सकते हैं, वरना आप मसाज स्किप करें और 15 से 20 मिनट तक अपने चेहरे पर इस फेस पैक को इसी तरीके से छोड़ दें। उसके बाद आप अपना चेहरा गुनगुने पानी से धो लें और पैड ड्राई कर लें। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय।